अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काजमी और आप देख रहे हैं काजमी एलिकम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रिमोट को आप खुद से कैसे टेस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि रिमोट के सेल भी ठीक होते हैं लेकिन बंदा परेशान हो जाता है कि रिमोट वर्क नहीं कर रहा होता। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा बड़ी आसान सा ट्रिक बताऊंगा कि आप खुद से रिमोट को कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बाज़ रिमोट्स के ऊपर एलईडी फ्लैश लाइट दी हुई होती है, जैसे इस रिमोट पे है, ये एक फ्लैश लाइट दी हुई है। इससे तो हमें पता चल जाता है कि ये रिमोट हमारा वर्क कर रहा है। सेम इसी तरह एक रिमोट है, इस पे भी एक लाइट दी हुई है, इससे हमें पता चल जाता है कि रिमोट हमारा सही वर्क कर रहा है। ये एक यूनिवर्सल रिमोट है, इस पे भी लाइट दी हुई है, इससे भी हमें पता चल जाता है। ये एक रिमोट है, इस पे कोई लाइट नहीं दी हुई। इसको हम कैसे चेक करेंगे? दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, मार्केट में रिमोट टेस्टर मिल जाता है आपको, लेकिन ये प्रोफेशनल लोग शॉप्स वगैरह पे जो रिमोट सेल करते हैं वो ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं। उनका हर वक्त का काम होता है इसको टेस्ट करने का, रिमोट को टेस्ट करने का। इसमें एक पीजो स्पीकर टाइप छोटा सा लगा होता है और एक इन लाइट इंडिकेटर भी लगा हुआ है। इसको मैं रिमोट को प्रेस करता हूँ तो इसमें से आवाज़ आती है। और लाइट भी हल्की सी ब्लिंक करती है। इससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि रिमोट ठीक है। लेकिन अगर हमने घर में रिमोट टेस्ट करना हो तो फिर कैसे टेस्ट करेंगे? ये एक इशू है, इसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताना चाह रहा था। अक्सर लोगों को मे भी पता भी हो, लेकिन मे भी कुछ लोगों को ना पता हो, तो लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हम रिमोट को कैसे टेस्ट करें, कैसे पता चलेगा कि हमारा रिमोट सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे रिमोट को गिरा देते हैं। रिमोट ऐसी चीज़ है जो अक्सर गिरता ही रहता है, और इसमें या तो फिर पॉइंट्स लूज़ हो जाते हैं, अंदर सोल्डरिंग जॉइंट ब्रेक हो जाते हैं, या फिर सेल्स का इशू होता है। तो इसलिए फिर हमें ये चेक करने की ज़रूरत पड़ती है कि रिमोट हमारा ठीक भी है या नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लीजिए। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन तकरीबन हर किसी के पास हैं, ये कैमरे वाले फ़ोन हर किसी के पास हैं। जस्ट आपने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेना है। सिंपल सा ट्रिक है, मोबाइल को सामने रख के कैमरा ऑन करके इस रिमोट के ऊपर जो इंफ्रारेड लाइट लगी हुई है उसको अपने कैमरे की तरफ कर लेना है। फिर आप रिमोट का कोई भी बटन प्रेस करेंगे, ये देखिए, ये रिमोट में आपको वाजे तौर पर इसकी इंफ्रारेड लाइट ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है। कोई भी की मैं दबाता हूँ तो ये लाइट ब्लिंक करती है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारा रिमोट सही वर्क कर रहा है। ये देखें जी, इसी तरह तमाम रिमोट्स बिल्कुल सेम बिहेव करेंगे मोबाइल कैमरा में। इसके लिए आपको किसी टेस्टर लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप आसानी से मोबाइल के ज़रिए अपने रिमोट को टेस्ट कर सकते हैं।